ज्ञापन दिया गया है। ऑलरेडी कोविड के कारण उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग विशेषतया इस प्रकरण पर कार्यरत है। विभाग द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत चर्चा करके कमेटी बनाते हुए एक प्रस्ताव बनाया गया है, जिसका एक हिस्सा कि इस टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लास्ट कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास कर माफ कर दी गई है। अब जो इश्यू है कि कोविड के कारण जो 2 महीने का टैक्स है वो भी हमारे यहाँ विचाररत है और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस पर भी फाइनल डिसीजन शीघ्र ही ले लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वासन ये मिला आपको कि कितने दिन में अप्रॉक्सीमेट हो सकता है? देखिए, ये विभाग की एक प्रक्रिया है, इसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते, मगर विभाग में ऑलरेडी इस प्रस्ताव पर कार्य चल रहा है। इसके पहले इन लोगों को कहना था बस ऑपरेटर से कि हमारे जो टैक्स वगैरह माफ किए जाए तो किया गया था? नहीं, अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए टैक्स एक मसला है जिसपे वित्त विभाग की अनुमति आना, साथ ही कैबिनेट की अनुमति आना, ये प्रक्रिया इन्वॉल्व है, इस प्रक्रिया में समय लगता है। तो हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इनको कोविड की वजह से जो भी हम राहत दे सकते हैं वो प्रोवाइड करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम मेघ सिंह है। क्या आज आप लोगों ने जो आरटीओ साहब को ज्ञापन दिया था, क्या उद्देश्य है? देखिए जी, हमारा उद्देश्य है किस मार्ग से हमारी गाड़ियाँ जो है खड़ी हुई है। सारे आगरा के ऑपरेटर या उत्तर प्रदेश या दुनिया के सभी ऑपरेटर जानते हैं और सबको पता है कि बसें हैं जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से खड़ी है, हमारी स्टार्ट नहीं हुई गाड़ियाँ। और हम पर जो ये टैक्स चल रहा है, जो पैसेंजर टैक्स है, वो हर महीने देना पड़ता है हम लोगों को। गाड़ियाँ हमारी चल नहीं रही, हम 3-3, 4-4 ज्ञापन दे चुके हैं, सरकार से अपनी जो है गुहार लगा चुके हैं हर प्रकार की। अब हमारा बिल्कुल जो है जवाब दे गया है, हम लास्ट आज देने के लिए आए हैं इनको ज्ञापन के, या तो हमारी गाड़ियों को जो है टैक्स माफ किया जाए, नहीं तो हम आगामी उसमें कुछ भी करने को तैयार होंगे, इससे आगे हमारे पास कोई उम्मीद है। अब उन्होंने आरटीओ साहब ने कहा है कि ना हमारा जो है ज्ञापन दे दिए हैं उसमें आपकी जो है कार्य प्रकृति में है, 2 महीने की वो कह रहे हैं, हम 2 महीने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कम से कम 6 महीने का टैक्स चाहिए और हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इस बात की इन्होंने जांच भी करवा ली है और आईटीओ 3 दिन से जांच भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी चेक कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य से सबसे माफ हुआ है टैक्स। अगर आपको ऐसा नहीं होता, अगर टैक्स नहीं माफ किया तो आप लोग क्या करेंगे? अब नहीं होता है तो फिर तो यही है, देखिए आत्मा समर्पण पड़ा है, किसी भी प्रकार का हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो, अपना आत्महत्या करने की पोजीशन पे आ गए और करेंगे वो, तो फिर यही होगा और कुछ होगी तो आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। थैंक यू। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।